हेलो सिद्धांत, आपने मुझसे यहाँ दो क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है? तो कंप्लीट आप वीडियो देखिए जो मैंने किया हुआ है परसेंटेज पर, तो वहाँ ही मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं। चलिए अभी इनको करते हैं। प्रकाश स्कोर 35% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जाम, वाइल चेतन स्कोर 50% मार्क्स ऑफ द सेम। इफ प्रकाश हैड स्कोर 45 मोर मार्क्स, ही वुड हैव स्कोर्ड द सेम परसेंटेज एज दैट चेतन। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 35% एक बंदे ने लिए हैं और 50% एक ने लिए हैं, तो 30% वाला क्या हुआ है? फेल हुआ है। और जिसने 50% गॉट किया है, तो 35% वाले से उसके पास 45 मार्क्स मोर है, मतलब इनके मार्क्स का डिफरेंस 45 है। और परसेंटेज डिफरेंस भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये सेम बेस पर आ रहा है, इसका आधार एक ही है ना। मैक्सिमम मार्क्स दोनों जो परसेंटेज आपके निकाले गए हैं वो मैक्सिमम सेम मैक्सिमम मार्क्स पर निकाले गए हैं, तो यहाँ पर हमें यही पहचान आइडेंटिफाई करना है कि हमारा बेस सेम है। ठीक है, अगर बेस सेम है तो इनका सीधे डिफरेंस कीजिए, 35 और 50 का डिफरेंस आएगा 15, तो 15% मतलब 100 पर 15, तो 15 रिप्रेजेंट टू 45, मीन्स आपको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा 3, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने थे? 100 थे, 100 में से तो 15 आए थे, तो टोटल आ जाएगा 100 × 3, 300 मार्क्स आपका मैक्सिमम स्कोर रहा होगा एग्जाम का। ओके, इसको आप फ्रैक्शन में बदल सकते थे, 15/100 मतलब 3/20, तो आप 3 को कंपेयर कर लेते 45 से, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको 15 मिलने वाला था, तब भी आपका आंसर ये आया था 20 × 15 इज 200, सॉरी 300। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश स्कोर 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जाम एंड गॉट फेल्ड बाय 30 मार्क्स। प्रकाश स्कोर 40% ऑफ द सेम वाज पास बाय 10 मार्क्स। व्हाट वर द मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम? तो यहां आपसे मिनिमम मार्क्स पूछा है, मतलब जिस पर वो पास होते हैं। तो मिनिमम मार्क्स मतलब जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स है उसका 20% निकालने के बाद अगर उसमें आप 30 प्लस कर देंगे तो आपको मिनिमम मार्क्स मिल जाएगा, या 40% निकालने के बाद उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो आपको मिनिमम मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैक्सिमम ही निकालना है आपको। तो कहानी वही है कि यहाँ पर भी बेस सेम है, मैक्सिमम मार्क्स सेम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20%। तो 20% को मतलब 1/5, ठीक है? तो और यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 30 मार्क्स जो इसका मिनिमम मार्क्स है ये, उससे इसने 30 क्या किया है? कम गॉट किया है, और इसने 10 एक्स्ट्रा लिया है। तो मिनिमम मार्क्स ये, यहां से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 40 मार्क्स का आ रहा है। ओके, तो यहां पर जो 20 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 को कर रहा है। 20 अगर हम परसेंट ले रहे हैं तो 100 बेस ले रहे हैं, मतलब यहां पर, तो मतलब आपका 20 इसको कर रहा है तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 100 × 2, 200। तो मिनिमम मार्क्स के लिए 20% निकाल दें, 1/5 ऑफ 200, तो 1/5 ऑफ 200, चलिए मैं लिख देता हूँ 1/5 × 200 और प्लस 30, क्योंकि 30 मार्क्स से वो फेल हुआ था, तो ये आ जाएगा 40 + 30 = 70 आपके मिनिमम मार्क्स हैं। ठीक है, पर ये पास हो जाएंगे मिनिमम मार्क्स, है ना? आप इधर से निकाल सकते थे 40%, 40% 2/5 ऑफ 200 प्लस, सॉरी माइनस 10, क्योंकि 10 मार्क्स एक्स्ट्रा थे इसके पास मिनिमम मार्क्स है, तो ये भी आपको कितना आता है? 80 - 10 = 70। आई होप क्लियर है। तो देखिए आंसर ओरल आ जाएंगे, लिखकर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखने की तो आपको जरूरत ही नहीं है इन आंसर्स को इस मेथड से निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच सिद्धांत, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको।